हेलो एंड नमस्ते मैं हूं अनुष्का चांडक आपकी कथक इंस्ट्रक्टर आज हम सीखने वाले हैं लय यानी कि टेम्पो के बारे में जैसे कि हमने ताल सीखा था वैसे ही ये लेसन भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड वाइड इसे नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है वो है बीट्स पर मिनट यानी कि बी इसे आप रफली तीन हिस्सों में बाँट सकते हैं विलंबित विलंबित यानी कि स्लो पेस्ट लय सो so, ना धिन धिन ना ये उसका एक एग्जाम्पल है रफली फिफ्टी इश बीट्स पर मिनट के अराउंड फिर आता है मध्यलय मध्यलय यानी मीडियम पेस सो ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ये उसका एक एग्जाम्पल है और तीसरा इसका प्रकार है वो है द्रुत लय यानी कि फास्ट पेस्ट लय सो ना धिंदना ना धिंदना ना तिन तिरना ना धिंदिनना ना धिंदना ना धिंदना ना तिन तिनना ना धिंदना ना ये उसका एक एग्जाम्पल बन जाएगा ये हमने रफली स्पीड के प्रकार देखे हैं लेकिन जब आप एक बेस लय ले लेते हैं और उसी में आगे आप उसके मल्टीपल्स के साथ खेलते हैं तब वो बन जाती है लयकारी जनरली ये जो बेस लय होती है वो विलंबित होती है स्लो होती है ताकि उसके मल्टीपल्स करने में और पढ़ने में आसानी हो जाए त्रिताल का एग्जाम्पल लेके इसे देखते हैं तो मान लीजिए कि एक बेस लय है जब मैं इसे मैच करती हूं तो बन जाती है इगुन इगुन को आप ठा लय भी कह सकते हैं ना धिन धिन ना ना धिन, 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 ना, 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 तिन, तिन, यानी कि एक बीट में एक ही बोल आता है जब ये बोल दो हो जाते हैं एक बीट में तो बनती है दुगुन ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना, तिन ना 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 अब इसी को 4 टाइम्स कर देते हैं एक बीट में चार बोल ना धिन धिना ना धिन धिना ना तिन तिन ना ना धिन धिना ना धिन धिना ना ना धिन धिना ना ना तिन तिन ना ना धिन धिना ना, 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 ना। गुण का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन गुणाकार तो बेसिकली दुगुन यानी जो बेस ले है जब मल्टीप्लाईड बाय 2 होती है 2 टाइम्स द बेस स्पीड वो बन जाती है दुगुन और सेम वे जब वो मल्टीप्लाइड बाय फोर होती है तो वो बन जाती है चौगुन तो बेसिक माथ करके देखे तो जब एक साइकिल हम पढ़ते हैं बेस लय का तो उसी एक साइकिल में दुगुन की दो साइकिल्स बैठती है और चौगुन की चार साइकिल्स बैठती है इसे एक बार हम हाथ पर पढ़ के देखते हैं ताल क्रिया के साथ अगर आपने तालक्रिया का लेसन सीखा नहीं है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप उसको रेफर कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं फाइव सिक्स सेवन एट ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना तिन तिन ना ना

ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना तिन तिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन्ना ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना धिन धिन ना तिन तिन ना धिन ना था तो ये थी हमारी आज की क्लास आई होप आपको हमारा कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे हमारे नए ट्यूटोरियल्स आते हैं हर वेन्सडे और फ्राइडे को तो अगली क्लास में ज़रूर मिलेंगे तब तक के लिए कीप डांसिंग